Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. Now we discuss about the electrophilic substitution reactions of haloarenes. Actually, reactions करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी हैं. सबसे पहले what is electrophiles? Electrophiles means electron searching species. These are known as electrophiles. वो सभी species जो electron को search करें, और electron searching species they will already will be positively charged. तो ये positively charged होंगे या फिर electron deficient होंगे, उन्हें बोलते हैं electrophiles. अब जब ये already positive charged हैं या फिर electron deficient हैं, definitely they require electrons. अब electron रिच सेंटर्स फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हैलोअरेंस. मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, एंड आई थिंक सो एवरी स्टूडेंट नो अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और हम इस चैप्टर में पहले भी कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं. बट हाउएवर, इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू विल सी दैट विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच. With respect to halogen, ortho and para positions, ortho, para, ortho, these positions are electron rich. It means electrophile will attack on these positions. It means on the ortho and the para positions, this attack will takes place. अब discuss करते हैं one by one in reactions की. तो firstly लेते हैं halogenation reaction. हैलोजिनेशन रिएक्शन से ही क्लियर हो रहा है, रिएक्शन कराना है हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ लेस एसिड. इफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विल टेक्स प्लेस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. हम ये मैकेनिज्म पहले कर चुके हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लेस एसिड? ये लुइस एसिड क्लोरोनियम आयन जनरेट करने में हेल्प करता है. इट मींस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है. तो इन दिस केस व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? क्लोरोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल. अब क्लोरोनियम आयन का अटैक कहाँ कहाँ पॉसिबल है? एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. इट मींस टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड. फर्स्ट इज दिस वन and second is this one. First is 1,2-dichlorobenzene and second is 1,4-dichlorobenzene. And out of these two products, para products are major while the ortho products are minor. Why? Because of the electron-electron repulsion. जितना ग्रुप्स ये क्लोज होंगे उतना ही electron-electron repulsion ज़्यादा होगा because of the steric hindrance. और यहाँ पर repulsion higher होने की वजह से energy high और stability low. तो which is more stable? Para products are more stable in comparison to the ortho product. Next बात करते हैं nitration reaction. First हमने पढ़ा halogenation. In case of halogenation, electrophile is chloronium ion. Nitration, second one is, in this case, NO2 positive, nitronium ion is electrophile. अब अगेन, अब ये NO2 positive है, अब NO2 positive का अटैक कहाँ का होना चाहिए? Ortho position and para positions. करते हैं nitration on chlorobenzene. This nitration will takes place in presence of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 is required to generate nitronium ion from HNO3. तो products बनते हैं. Nitronium ion can attack on ortho position with respect to chlorine and at para position with respect to chlorine. तो these two products will generate. First is 1-chloro-2-nitrobenzene and second is 1-chloro-4-nitrobenzene. And out of these, para is major
एंड ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट. तो हमने अभी तक दो रिएक्शंस पढ़े, एक तो हेलोजिनेशन और दूसरा नाइट्रेशन. हेलोजिनेशन हेलोजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, हेलोनियम आयन, इट्स मीन क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं और इनका अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर विद रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी प्रेजेंट हेलोजन एटम. दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन एनओ टू पॉजिटिव आयन एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इट विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन और हेलोजन प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग. नेक्स्ट पढ़ते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन. एंड इन केस ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन SO3H पॉजिटिव एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल हेयर? SO3H पॉजिटिव. अगेन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं ऑर्थो पोजिशन पर SO3H और पैरा पोजिशन पर लाइक दिस एंड इट्स नेम इज 2-chlorobenzene सल्फोनिक एसिड. एंड दिस वन इज 4-chlorobenzene सल्फोनिक एसिड. And out of these again, para is major and ortho is minor. It was a sulfonation reaction. After sulfonation reaction, next we will study it. It is Friedel-Crafft alkylation reaction. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एल्काइलेशन का नाम आ रहा है, एक्चुअली दीज आर टू नेम रिएक्शंस, Friedel-Crafft एल्काइलेशन एंड Friedel-Crafft एसाइलेशन. एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको एल्काइलेशन पूछा गया है या फिर एसाइलेशन पूछा गया है. अगर एल्काइलेशन पूछा है तो यह रिएक्शन कैसे कराना है? इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड लुईस एसिड की प्रेजेंस रखते हुए. कैसे? रिएक्शन विल टेक्स प्लेस व्हेन हेलोरीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3. देन Friedel-Crafft एल्काइलेशन विल टेक्स प्लेस. अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप CH3 पॉजिटिव एक्ट करेगा. यहाँ पर तो CH3 पॉजिटिव है तो CH3 विल अटैच ऑन ऑर्थो पोजिशन एंड इट विल अटैच ऑन पैरा पोजिशन लाइक दिस. दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड एंड नेम इज 1-chloro-2-methylbenzene. एंड दिस वन इज 1-chloro-4-methylbenzene. दिस इज मेजर and this one is minor. It is Friedel-Crafft alkylation reaction. In Friedel-Crafft alkylation reaction, alkyl group act as electrophile. ऐसे ही हमें एक पढ़ना है Friedel-Crafft acylation reaction. ध्यान रखना है एल्काइलेशन और एसाइलेशन कंफ्यूज नहीं होना है. Friedel-Crafft एसाइलेशन रिएक्शन में हेलोरीन्स विल रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. यू हैव टू रिमेंबर हेलोरीन्स रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड टू गिव फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस. क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड in presence of anhydrous AlCl3, it means Lewis acid gives out final products. Final products mein acyl group attach hoga ortho position par COCH3
और पैरा पोजिशन पर। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कौन करने वाला है? CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी ग्रुप को अटैच किया गया है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड नेम्स आर 2-chloroacetophenone। And this is 4-chloroacetophenone. It is Friedel-Crafts acylation reaction. तो हमने आज 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हेलोजिनेशन, देन नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, उसके बाद Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन एंड Friedel-Crafts एसाइलेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।